हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेनाज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी झक्कास पराठे। इसको हमने झक्कास पराठा नाम दिया है क्योंकि खाने के बाद बार बार इसको खाने की इच्छा होती है हमारी। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी पराठा है, तो चलिए हम बनाते हैं अपने ये झक्कास पराठे, या आप कह सकते हैं मिक्स वेज पराठे। झक्कास पराठा बनाने के लिए मैंने ली है ये पत्ता गोभी, इसको मैंने क्रश किया है, और थोड़ा सा गाजर, थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज, थोड़ी सी धनिया पत्ती और हरी मिर्च। इसके अलावा ये मैंने एक आलू लिया है और इसको मैं इस तरह से सिर्फ मैश कर देती हूँ, और ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर लिया है मैंने, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ये मैगी मसाला है मैजी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ चीज़, अमूल का प्रोसेस चीज़ है, तो ढेर सारा चीज़ मैं इसमें कद्दूकस करके डाल देती हूँ, और अब इन सबों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से कटे हुए टमाटर। पराठे का मिक्स मैंने तैयार कर लिया है। आटा मैंने पहले से लगा के रखा है, आधा घंटा पहले मैंने उसको लगा लिया था, सिर्फ सिंपल नमक डाल के जैसे रोटी का आटा बनाते हैं वैसे ही मैंने आटा लगाया है। आधा घंटा हुआ है इस आटे को, तो मैं अब इसको दिखाती हूँ आपको। देखिए ये सॉफ्ट हो गया है, इसमें काफ़ी लोच भी हो गई है। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मिला मिला के और गूंधा था, तो अब मैं इससे पराठे बनाती हूँ। ये मैंने एक लोई ली है, काफ़ी बड़ी सी लोई है देखिए, और अब मैं इसको पहले बेल लेती हूँ। ये मैंने एक रोटी तैयार की है, और अब मैं इसमें वो जो मिक्सचर हमने बनाया है उसको भर दूंगी, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मिक्सचर। काफ़ी सारा मिक्सचर हमने लिया है, आप देख सकते हैं, और अब मैं इसको इस तरह से बंद कर देती हूँ। सबको पकड़ के इस तरह से, और ये ऊपर से जो एक्सेस आटा है इसको मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसको बेल के तैयार कर लेती हूँ, बहुत धीमा धीमा ही बेलूंगी इसको। ये तवा मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, और गैस मैंने ऑन कर दी है, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा बटर, और अब मैं इस पराठे को गैस पे पका रही हूँ। इसको मैं ढक दूंगी और धीमी आंच पे कुछ देर पकने दूंगी। अब मैं इस पराठे को पलट देती हूँ, और अब मैं इसको फिर से ढक देती हूँ। अब ये पराठा दूसरी तरफ से भी पक गया है, तो पहले मैं इस पर अच्छी तरह से बटर अप्लाई कर देती हूँ। आप चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं या रिफाइंड में भी बना सकते हैं। पराठा हमारा बनके तैयार है, तो अब मैं इसको सर्व करती हूँ। हमारा झक्कास पराठा बनके तैयार है। मैं आपको एक बाइट लेके दिखाती हूँ।
वाओ, सो यम्मी। आप देख सकते हैं, सुपर टेस्टी। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।